हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका लाइफाई लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, मैं यहाँ पे केमिस्ट्री टीचर हूँ और गाइज मेरा नाम है अथर्व रुभेला। मैं आपको आज सबसे हॉट टॉपिक, और आप इसको बोल सकते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक, या आप इसको बोल सकते हैं कि आपका ज़रूरतमंद टॉपिक, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए गाइज, आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित चीज़ें हैं उनमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का भी एक नाम आता है। आप नकार नहीं सकते कि आपको दिन में कम से कम 4 से 5 बार सुनने को मिलता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे इसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से जुड़े हुए कुछ सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आशा करता हूँ कि मैं आपके मन की व्याकुलता को शांत कर पाऊँ। तो स्वागत करते हैं, शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में जानते हैं, ऐसा कुछ हमें दिखता है, और सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो गाइस, व्हाट इज द नीड, व्हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्यों चाहिए। तो गाइस, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। अब गाइस, ऑक्सीजन की कमी का क्या मतलब है, इसे आजकल हम अपनी न्यूज चैनल या अपने आस पड़ोस, अपने न्यूज़पेपर या किसी बड़े डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर से सुनते हुए बोलते कि उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गया। तो गाइस, ये ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने का मतलब होता क्या है, ये ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने का मतलब क्या है, अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 95% से नीचे आता है तो आपको कॉन्टिन्यूस अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन के लेवल को मेजर करने की जरूरत है। यानी कि दिन में कम से कम 3 बार आप अपने ऑक्सीजन लेवल को जरूर मेजर कीजिए, अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को जरूर मेजर कीजिए, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते हैं तो। लेकिन गाइज, ऑन दी अदर एंड, अगर आपके ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 90% से कम हो जाता है, इसका मतलब है कि आपको इमीडिएटली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, आइदर वाया ऑक्सीजन सिलेंडर्स, आप किसी हॉस्पिटल में जाइए। और जैसे कि आप लोग अभी जानते हैं कि हमारा यहाँ का भी हॉस्पिटल सिस्टम उतना मजबूत नहीं हो पाया है कि बहुत सारे पेशेंट्स को एक साथ भर्ती करा सके, तो कुछ समझदार लोग आज ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद खरीद के अपने घर पे रख रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो हम उसको ले सके। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये भी है कि जिस तरह की सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, यहाँ सब पैसे को लेके कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोविड से पहले, यानी कि सेकंड वेव जब महामारी आई, और सेकंड वेव उसकी आई जहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उससे पहले ये मुश्किल से 40 से 50 हज़ार का मिलता था। लेकिन आज कोविड के टाइम को देखते हुए जब इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, गवर्नमेंट को इसके प्राइस कम करने चाहिए, लेकिन फिर भी ये मार्केट में 70 से 75 हज़ार रुपये, यानी कि 70 to 75 K का बिक रहा है। ये हमारे आसपास के हालात है। तो गाइज, आप भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदने से पहले हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप लोग कभी मोबाइल खरीदने जाते हैं या कभी कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, तो पहले आप अपना पूरा एक रिसर्च सर्वे करते हैं कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है और इन रिक्वायरमेंट्स पे मेरी इतनी नीड, इतना पैसा, उसमें ये चीज़ बेस्ट फिट करती है। सेम इसकी भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं। तो गाइज, सबसे पहले पता लगा कि क्यों रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट मतलब आपके अंदर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कम है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को हम पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में मीजर करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोग जानते भी होंगे, राइट गाइज। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। देखिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम क्या करता है, आपको पता है कि आपके चारों तरफ एटमोस्फियर में एयर होती है, और एयर में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज पाई जाती है वो पाई जाती है गाइज नाइट्रोजन की। यानी कि नाइट्रोजन हमारे पास 78% मौजूद होता है, और उसमें देन 21% के आसपास होता है ऑक्सीजन, और रेस्ट 1% पे हम लोग बोल देते हैं बची कुची गैसेस। तो गाइज, सबसे ज्यादा जो इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का यूज किया जाता है वो इस एयर से नाइट्रोजन को अलग करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन का कंपोनेंट अलग हो जाए तो 78% तो अलग ही कर दिया आपने, तो मेजर गैस कौन सी बचेगी, केवल और केवल आपके पास ऑक्सीजन बचेगी। यानी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन को एयर से अलग करने के काम आता है, राइट। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि ये एयर से ट्रैप कर लेता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, राइट। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सी ऑक्सीजन
कंसर्न ट्रेडर की टेक्निक्स मार्केट में अवेलेबल है। तो गाइज मोटे मोटे तौर पे दो तरह की टेक्नोलॉजीज यूज होती है। एक होती है PSA, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एडजॉर्प्शन होता है गैसेस का एडजॉर्प्शन ऑन दी सरफेस ऑफ ए सॉलिड। क्या सॉलिड होता है, ये भी एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री का सवाल है, बहुत अच्छी क्यूरियोसिटी की है, ये भी मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। और दूसरी होती है गाइज मोलिकुलर सीव टेक्नोलॉजी। राइट, आजकल जो हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है लाइक इस तरह के, इन तरह के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होती है गाइज, वो यूज होती है पार्शियल प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, यानी कि PSA। अब इस PSA के बारे में जानते हैं कि ये बेसिकली PSA करता क्या है। देखिए गाइज, इस PSA में हमारे पास क्या होता है कि यहां पे हमारे पास एक कंप्रेशर होता है। क्या होता है गाइज, एक कंप्रेशर होता है। ये कंप्रेशर क्या करता है, एक वैक्यूम का काम करता है, जैसे कि हमारे एसी में भी कंप्रेशर्स होते हैं। तो ये कंप्रेसर एयर को अपनी तरफ खींचता है, एटमॉस्फेयर से एयर को ट्रैप कर लेता है, फिर अंदर मशीन के अंदर पहुंचा देता है। कंप्रेसर के बाद उसकी मुलाकात होती है इन जियोलाइट मोलिकुलर सीव से। किससे होती है इनकी मुलाकात, जियोलाइट मोलिकुलर सीव से। ये जियोलाइट मोलिकुलर सीव क्या करती है, एयर में जो 78% नाइट्रोजन गैस होती है उसको तो अपने ऊपर ट्रैप करवा लेती है, यानी कि सॉलिड के ऊपर गैस का एडजॉर्प्शन हो जाता है। इसी के ऊपर इसका नाम प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। और ये जो एडजॉर्प्शन है ये आम कंडीशंस पे नहीं होता, हाई प्रेशर की कंडीशन पे होता है। इसीलिए कंप्रेशर लगाना पड़ता है जिससे कि गैसेस यानी कि जो एयर है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ मोलिकुलर सीव्स यानी कि जियोलाइट्स के पास जाए, और फिर जियोलाइट्स एट हाई प्रेशर परफॉर्मेंस देता है इस नाइट्रोजन को ट्रैप करने की। उस नाइट्रोजन गैस को जियोलाइट सॉलिड सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब करने की, गैसेस जब सॉलिड के ऊपर जाके चिपकती है तो इस प्रोसेस को हम लोग एडजॉर्प्शन बोलते हैं। हमारी 12th की केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री में पूरी यही केमिस्ट्री बताई गई है कि आपके पास किस तरह एडजॉर्प्शन होता है और क्या एब्जॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन में केवल और केवल जो आपकी गैस है वो सॉलिड पे आके एडजॉर्ब हो जाती है, उससे कोई रिएक्शन नहीं करती, यानी कि जियोलाइट केवल और केवल यहां सरफेस का काम करवाता है। और क्योंकि इसके पास बहुत अच्छी सीव्स होती है, बहुत बढ़िया ट्रैपिंग पावर होती है, इसलिए ये नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेता है और ऑक्सीजन को ट्रैप नहीं कर पाता, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। देखिए ये तीन तरह के कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, एक कंप्रेसर, एक जियोलाइट मिनरल्स यानी कि जियोलाइट्स के मिनरल्स, इनको पोरस मिनरल भी बोलते हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारी पोर्स होते हैं, राइट, जिनमें जाके आपकी गैस ट्रैप हो सके, एडजॉर्ब हो सके, राइट। तीसरा होता है फिल्टर, जो ट्रैप करने के बाद गैस बचती है, ऑक्सीजन की प्योरिटी को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, वो उस ट्रैप में से जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसको और फर्दर प्यूरीफाई कर देते हैं, और फिर फर्दर प्यूरीफाई करने के बाद वो ऑक्सीजन गैस हमारे पेशेंट्स को वाया ट्यूब्स या वाया पाइप्स पहुंचा दी जाती है। गाइस तो देख लेते हैं गाइस कि कैसी होती है हमारे पास जियोलाइट मिनरल्स, जिनको पोरस मिनरल्स भी कहा जाता है, जिनके पास बहुत सारे पोर्स होते हैं। देखिए गाइस इन जियोलाइट्स में नेचुरल मैनिक नेचर में तो आपको ऐसा दिखेगा एक पत्थर के जैसा, लेकिन इसकी जो आंतरिक स्ट्रक्चर होती है वो कुछ होती है इस तरह की। यहां पे हमारे पास सिलिकन होता है सेंटर में, और सिलिकन के चारों तरफ ऑक्सीजन आके बॉन्ड बनाती है। सिलिकन की वैलेंसी चार होती है, केमिस्ट्री वाले लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। कार्बन काशी गए संत पकड़े गए, कार्बन सिलिकन, सिलिकन की वैलेंसी भी चार होती है जिस प्रकार कार्बन की वैलेंसी भी चार होती है। इन चारों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है हमारा ऑक्सीजन, और ऐसे करके ये पूरा का पूरा एक मोलिकुलर बिल्डिंग बना लेते हैं जिसमें ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी सीव्स बनती है, पोर्स बनते हैं। इन सीव्स या पोर्स में केवल नाइट्रोजन ट्रैप हो सकती है, ऑक्सीजन ट्रैप नहीं हो सकती, बिकॉज ये कैविटी के साइज पे डिपेंड करता है कि किस साइज की गैस इसके अंदर पैक हो सकती है, राइट। तो इन कैविटीज में नाइट्रोजन गैस अच्छे से पैक हो जाती है और ऑक्सीजन गैस को ये ट्रैप नहीं कर पाता, मतलब कि रिलीज कर देता है। हाई प्रेशर से जब हम इससे गैस पास कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस तो इनके अंदर बिल्कुल ट्रैप होकर रह जाती है, इनको जकड़ लिया जाता है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ही फिर इससे फर्दर आगे निकलते हैं। वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फिर हम फिल्टर से पास कराते हैं, उसको और अच्छे तरीके से प्यूरीफाई कर लेते हैं और फिर सीधा पेशेंट्स को दे देते हैं।
यही वो हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम करता है। अब बात करते हैं कि एक इंसान को कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ह्यूमंस फिजियोलॉजी बोलती है कि एक इंसान को एक मिनट में 5 से 7 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करने में। यानी कि आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे कि नेचर में आपको पता है कि 21% ही ऑक्सीजन होती है, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हम सांस लेते भी है और छोड़ते भी है। जैसे ही वो नेचर से 20% ऑक्सीजन को लेगा तो वो केवल अपनी बॉडी में 5% ऑक्सीजन रखता है और 15% ऑक्सीजन को वाया एक्सहेलेशन प्रोसेस बाहर कर देता है। यानी केवल 5% ऑक्सीजन ही क्या होती है हमारी बॉडी में यूजफुल होती है हमारे बॉडी के फंक्शनिंग को करने के लिए। यानी कि हमें एक ऐसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, जो कोविड से जिसके लंग्स अफेक्ट हो चुके, यानी कि जिसके लंग्स उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे, तो हम उसको ऑक्सीजन और ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड कर देते हैं जिससे उसके लंग्स की फंक्शनिंग पे उतना असर ना पड़े। तो एक मिनट में हमें कम से कम 5 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही हमें एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की रिक्वायरमेंट है। यानी कि इसे सुनने के बाद हमने ये सीखा कि अगर आपके घर में या आपके किसी रिश्तेदार को किसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की रिक्वायरमेंट है तो आप एक ऐसा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जो कम से कम एक मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजन विद 92% प्योरिटी प्रोवाइड कर सके। और ये आपको कहां से पता लगेगा, ये आपको पता लगेगा उस पे लगे हुए मॉडल से। तो गाइज हमारे पास ऐसे कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के मॉडल्स आते हैं जिन पे कुछ यूनिट्स लिखी रहती है, उनमें से एक यूनिट का मतलब मैं आपको समझाता हूं। सबसे ज्यादा बिकने वाला जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो है 1 to 5 लीटर मॉडल। अब देखिए इस मॉडल का मतलब क्या होता है। इस मॉडल का मतलब है कि ये आपको एक मिनट में 1 से 5 लीटर तक, यानी कि इसकी कैपेसिटी है 1 से लेके 5 लीटर तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकता है। आप मिनिमम इससे 1 मिनट में 1 लीटर ले सकते हैं, और अगर आपको ऑक्सीजन इनहेलेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ये आपको 1 मिनट में कम से कम 5 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन इसकी प्यूरिफिकेशन चेंज होती है जैसे जैसे आप इसकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाते। मतलब अगर ये आपको केवल 1 लीटर ऑक्सीजन दे रहा है पर मिनट में, वो जो ऑक्सीजन होगी वो 90 से 95% प्योर होगी। और अगर ये आपको 5 लीटर ऑक्सीजन दे रहा है एक मिनट में, तो वो ऑक्सीजन केवल और केवल 20 से 25% ही प्योर होगी। और उतनी ऑक्सीजन तो हम एयर से भी ट्रैप कर ही लेते हैं, क्योंकि वहां भी जो प्योरिटी है वो भी 21% ही है। नेचर में 21% ऑक्सीजन होती है, 71% नाइट्रोजन होती है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं कि मैं जो सांस ले रहा हूं उसमें ऑक्सीजन की कितनी प्योरिटी है, तो दैट इज 21%। यानी कि 5 लीटर पे जाने के बाद इसकी एफिशिएंसी वैसी होती है जैसा हमारा, यानी कि हमारा लंग सिस्टम, हमारे फेफड़े हमारे लिए काम करते हैं, उतनी हम नॉर्मल भी ट्रैप कर लेते हैं। यानी कि हमें एक ऐसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की रिक्वायरमेंट है जो आपको कुछ इससे बेहतर रेंज प्रोवाइड करा सके। राइट गाइज, तो आज के बाद अगर आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदना चाहते हैं तो पहले उस पर देख ले कि आपको ये किस पर्पज से चाहिए। इसका एक पर्पज और भी होता है, बेसिकली जो पोल्यूटेड सिटीज में रहते हैं जैसे कि दिल्लीज टाइप सिटीज में, तो वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। पोल्यूशन ज्यादा होने का मतलब ये है कि वहां पे आपको ग्रीनरी नहीं दिखेगी, आप वहां जल्दी ही काम करके थक जाओगे, आपको आलस, फैटीग, उबासी ये सब आने लग जाएंगे। बेसिकली ऑक्सीजन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। जैसे ही आप खुली हवा में जाते हो, पहाड़ों में जाते हो जहां पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिच एनवायरमेंट होता है, तो जैसे ही आप उस खुली हवा में सांस लेते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका चिड़चिड़ापन, आपका फैटीग, आपका लेजीनेस सब दूर हो जाता है। तो बोलते हैं ना गाइस ऐसा कि जब कभी पहाड़ों में जाते हैं तो आपका मन बहुत अच्छा हो जाता है, वो बेसिकली उस एटमोस्फियर में प्रेजेंट ऑक्सीजन कंटेंट से ही होता है। जितनी फ्रेश एयर, यानी कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन रिच गैस आप अंदर प्रोवाइड करोगे, इनहेल करोगे, उतना अच्छा आपको लगेगा, उतनी अच्छी फंक्शनिंग आपकी बॉडी की होगी, उतनी कम लेजीनेस आपको होगी गाइज। तो इसी के गाइज मैं आपके साथ को रोकना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि मैंने आपके सवालों की व्याकुलता को समाप्त किया होगा, उन्हें बहुत हद तक किनारे लगाया होगा। तो आप ध्यान रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच गाइज़।